क्या चीज है बाबा, चीज नहीं कयामत है रे। कौन रे? दो दिन में पटा लूंगा बाबा। हाय बेटा। हाय डाडू। बाय बेटा। बाय डाडू। बाय। हाय थैंक यू। हाय श्रेष। एक्सक्यूज मी, श्रेष नहीं, श्रेष्ठी। एक्चुअली दीज आर लव वर्ड्स। व्हाट इज दिस? जस्ट ओके बाय। क्यों जा रही हो? बस यू ही। मम्मी पापा से बात हुई? ओह नो, मम्मी पापा तो आज ही सुबह गए हैं। क्यों? बिजनेस मीटिंग। अब क्या करेंगे हम? 5G का जमाना है मैम, सेल्फी लेंगे और क्या। सृष्टि मैं तुम्हें केस करना चाहता। नहीं यार, शादी के बाद। बस हाँ, ये क्या किया तुमने? मैंने सृष्टि को अपनी कर दिया, अब तो कुछ भी कर सकते। पर वर कुछ नहीं। मैंने क्या गलती कर दी? घर की इज्जत तिराम कर दिया। तुम इतना क्यों रो रही हो? क्या बात है? हाँ क्या बात है? क्या हुआ? किसका मैसेज है? क्या हुआ सृष्टि? प्लीज वो ढूंढो प्रिया, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये तूने क्या किया सृष्टि? ये एक साइबर क्राइम है, ओजस्वी चलाया जा रहा है हमारे पुलिस अधीक्षक द्वारा, और इसकी जानकारी स्कूल कॉलेजों में दी जा रही है। ओजस्वी का उद्देश्य सशक्त नारी, खुशहाल परिवार है। तुम्हें मम्मी पापा को बताएं? चल चल मेरे साथ। सृष्टि की तबीयत तो ठीक है ना? एग्जाम उसके कब से शुरू हैं? पता नहीं, आपके कमरे से बाहर निकलती नहीं है वो, शायद पढ़ती हो, एग्जाम पास में आ रही है। अच्छा अच्छा
सृष्टि क्या हो गया बेटा? सृष्टि क्या हो गया बच्चा? सृष्टि क्या बात है बेटा? सृष्टि क्या हुआ? पापा पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है पापा। गलती? ऐसी कौन सी गलती हुई बेटा तुझसे? मेरा बेटा तो ऐसे कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। चल बेटा। कहाँ पापा? पुलिस स्टेशन। आईडी से और उसके बाद नहीं नहीं बेटा चुप। चिंता मत करिए आपको मैं अपनी मैडम टीआई मैडम के पास लेके चलती हूँ, आपकी समस्या का समाधान। बैठो मैडम। ये पीड़िता है, इनकी एक जो दोस्त था सोशल मीडिया के माध्यम से इनकी दोस्ती हुई है और उनके साथ फिर उनको शादी का झांसा देकर इनके साथ गलत काम किया गया। सब ठीक हो जाएगा, मत रो मत रो। वो फेसबुक फेसबुक से मिला था मेरे को, वो सब गलत किया। जबलपुर पुलिस बहुत संवेदनशील है, बिल्कुल चिंता मत करो। सर नमस्कार, इंस्पेक्टर प्रीति तिवारी बोल रही हूँ। सर एक रिपोर्ट आई है और मैं तत्काल FIR लेके पार्टी रवाना कर रही हूँ सर। जी सर जी सर जी सर। कुरेल तत्काल जाइए और अभी मजा आना चाहिए उसको। मुलजिम 5 मिनट में मुझे मुलजिम चाहिए। चलिए रवाना होइए जल्दी से। नमस्कार। महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए जबलपुर पुलिस के द्वारा ऑपरेशन ओजस्विनी चलाया जा रहा है। ऑपरेशन ओजस्विनी का मुख्य उद्देश्य सशक्त नारी और खुशहाल परिवार के साथ साथ समाज के प्रत्येक वर्ग, चाहे वो स्त्री पुरुष, को जेंडर सेंसिटाइजेशन करना है और उनको इसके ओर संवेदनशील करना है। ऑपरेशन ओजस्विनी के तहत गर्ल्स स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, आंगनवाड़ी केंद्र, बस्तियों में छात्राओं महिलाओं को भयमुक्त रहने तथा अपराध रहित होने के पूर्व सावधानी एवं सतर्कता बरतने संबंधी जानकारी प्रदाय की जा रही है। इसके तहत
वे घरेलू हिंसा से बचाव, साइबर क्राइम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया का उपयोग कैसे सावधानी पूर्वक करें, इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है। और ये भी विश्वास दिलाया जा रहा है कि आप किसी तरह का भय ना रखें, किसी तरह का अत्याचार ना सहें, किसी भी गलत कार्य का हमेशा विरोध करें तथा पुलिस में रिपोर्ट करें। पूरी जबलपुर पुलिस आपके साथ है। इसके साथ ही स्वयं की रक्षा के उद्देश्य से सेल्फ डिफेंस तकनीक की जानकारी भी दी जा रही है एवं बच्चों को गुड टच बैड टच की जानकारी तथा राज्य शासन द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर, चाहे वो महिला हेल्पलाइन नंबर हो 1090, चाहे वो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर हो 1098, साइबर क्राइम हेल्पलाइन हो 1930 या डायल 100 की जानकारी ये भी सबको दी जा रही है। मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि ऑपरेशन ओजस्विनी का सबसे जो अहम उद्देश्य है वो ये है कि अब तक हम महिलाओं को ही जागरूक करते आए थे, लेकिन इसमें पुरुषों को सेंसिटाइज करना, पुरुषों को महिलाओं के प्रति सेंसिटाइज करना, जेंडर सेंसिटाइजेशन की जानकारी उनको अवेयर कराना, ये है, क्योंकि वही असली हीरो है जो पुरुष महिलाओं की इज्जत करता हो। बहुत बहुत धन्यवाद।